नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने केंद्रीय बजट में पुरातत्व महत्व की देश की 5 जगहों में राखीगढ़ी को शामिल करने के फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया। साथ ही उन्होंने हरियाणा में राखीगढ़ी को बजट में आइकॉनिक स्थल बनाने की घोषणा का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा वासियों के लिए ये गर्व की बात है। दिग्विजय सिंह चौटाला आज पंजवाना में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब किसान और युवाओं के लिए एक सकारात्मक बजट है। साथ ही उन्होंने बजट में किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बजट आम आदमी, किसान, गरीब के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को देने के लिए पारित किए गए प्रस्ताव को हरियाणा सरकार के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और उन्होंने कहा कि अभी तो यह कैबिनेट में पास हुआ है, इसके बाद आगामी बजट स्तर में इसको लेकर के बिल भी पास हो जाएगा। इस फैसले से जेजेपी ने अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसले के लिए मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को और हरियाणा में सदैव याद किया जाएगा। जिस प्रकार पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को बुढ़ापा पेंशन लागू करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि कॉमन विनियम प्रोग्राम पर भी कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है और शीघ्र ही आय बिंदुओं पर भी सहमति बन जाएगी। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। गरीब किसान और मजदूर को लेकर के आज केंद्र की सरकार ने बहुत सकारात्मक बजट पेश किया है और मैं फाइनेंस मिनिस्टर को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के राखीगढ़ी को, जो विषय दुष्यंत जी निरंतर पिछले 5 वर्ष से उठा रहे थे, उसको मान करके उसको उसके लिए अलग प्रावधान कर दिया है बजट में। और राखीगढ़ी एक हिस्टोरिकल वेन्यू हरियाणा का बनने जा रहा है। इसके साथ साथ किसानों के लिए 16 बिंदु, जैसे किसानों की आय दुगनी 2022 तक और उसको 3 गुना आगे करने की बात की गई है। इसी हिसाब से युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बातें की गई हैं। ये बजट आम आदमी का बजट है, किसान, मजदूर और गरीब का बजट है। अब कैबिनेट की बात करें हरियाणा का, आते हैं कि जो आप जेजेपी ने वादा किया था 75% आरक्षण देने का, वो शायद कैबिनेट मंजूर हो गया, इसको क्या करेंगे? उसमें प्रस्ताव पारित हो गया है कैबिनेट पर और अगले सेशन के अंदर, बजट सेशन के अंदर उस पर बिल भी पारित हो जाएगा। ये हरियाणा के लिए एक इतिहास है। हरियाणा की आने वाली पीढ़ियाँ दुष्यंत चौटाला को और जननायक जनता पार्टी को सदैव इस कार्य के लिए याद करेगी। जैसे चौधरी देवीलाल जी को 100 रुपये की पेंशन के लिए याद किया जाता था, किसानों के कर्जा माफी के लिए याद किया जाता था, इसी प्रकार 75% रिजर्वेशन मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी के पॉलिटिकल करियर में सदैव उनको इस बात के लिए। मेरे हिसाब से बहुत जल्द उस पर व्हाइट पेपर जाएगा। थैंक यू।